नमस्कार। जांगिट कॉम्प्लेक्स की हाल ही में बनी हुई फेडरेशन और सभी सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, पदाधिकारी, इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी रहवासी, ये मैं आप सब लोग का धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पे एक सभा लगाने की हमको परमिशन दी और ये सभा आयोजन यहां पे किया। आपने कहा कि आपकी समस्याओं पे जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, हम उसको मदद करेंगे, हम किसी के साथ नहीं है। भाई साहब, ऐसा है कि किसी के साथ तो होना पड़ता है। आप 2014 में भी किसी के साथ हुए, ऐसा मत कहिए कि नहीं होते हैं। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आदमी आपके पास आएगा, पार्टीज आपके पास आएगी, फैसला आप अपना करते हो और उसको वोट देते हो। ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम लोग नहीं देते हैं, हम नहीं सुनते हैं, हम सबके साथ रहते हैं। ये थोड़ा सा तेरी भी सही मेरी भी सही वाले चक्कर नहीं हो सकती लोकतंत्र में, या तो इस तरफ या उस तरफ। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम सबको मौका देंगे, सबकी बात सुनेंगे, जो हमारे प्रश्नों का समाधान करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, मगर उसको अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ती है आपको। 2014 में भी पूरे देश ने अपॉर्चुनिटी दी है, अभी 2019 में भी दी है। इकोनॉमिकल डाउनफॉल फिर भी हो रहा है, मगर फिर भी अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज हम देते जा रहे हैं। वो एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर का मुद्दा अलग है। ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में आपको आपके शहर का लोक प्रतिनिधि चुनना है। एक 5 साल पहले आपने एक लोक प्रतिनिधि चुना, एक पार्टी से चुना, 5 साल में उसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने शायद देखा, शायद सुना या शायद पढ़ा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग पढ़ के भी अनदेखा करते हैं, सुन के भी अनसुना करते हैं और समझ के भी ना समझ जैसी बात करते हैं। हम पिछले मेरी तो पैदाइश यहां पर हुई है पापा जी, मैं तो पैदा ही यही हुआ हूं और मेरा कब्रस्तान भी इधर ही है जो मैंने ही बनाया हूं, तो मरने के बाद भी यही जाने वाला हूं। इस शहर में लोग तो माइग्रेट होके आए हैं, या मुंबई से आए हैं या पूरे देश भर से आए हैं, और ये आप लोगों के लिए नया शहर है, मगर मेरी तो ये हम वतन है, मेरी हम जमीन है और मैं तो दफन भी यही हूंगा। और कभी गलती से पापा जी कोई वायदा मैंने कर दिया और मर गया तो आके मेरे कफन कबर पे जरूर आप पूछ सकते हैं कि भैया तूने वायदा किया था, उठ के खड़ा हो, पूरा कर, फिर कमर में जा। हम और हमारा परिवार यहीं के लोग हैं और हमने ये शहर को बनाया है, बसाया है। और पिछले 30-35 सालों में मेरे जीवन में और परिवार के 50-60 साल के जीवन में, मैं ये समझता हूं इस शहर के अंदर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी, कोई इंसान ये कह सकता है कि इस परिवार से या मिस्टर हुसैन से हमको कोई परेशानी है, तकलीफ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है या इसने हमारे पे अन्याय किया है। यह हमारे जीवन का, राजनीतिक जीवन का एक चित्र आप लोगों के सामने है। क्योंकि हमने राजनीति इसलिए नहीं करी कि हम हर जमीन पे 7-11 का बोर्ड लगावे। हमने राजनीति शहर में इसके लिए नहीं करी कि हम 5 साल के अंदर मुझे गर्व है का बोर्ड लगावे। आप मुझे पता नहीं आप लोग यहां पर कितने लोग कौन से साल से यहां पर रहते हैं, मगर जांगिट कॉम्प्लेक्स जब बना था तो ना रास्ता था, ना गटर थी, ना पानी का लाइन थी, ना लाइट था, ना सबस्टेशंस थे। मैं कॉर्पोरेटर, अकेला कॉर्पोरेटर था। 91 में मैं पहला कॉर्पोरेटर, अकेला कॉर्पोरेटर था। 95-96 में मैं अकेला कॉर्पोरेटर था। उसके बाद में हमारे पैनल्स बड़े हुए तो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे, वो तो 2007 से लोगों ने नया सिलेक्शन लिया हाथ में, आपने नए लोगों को सिलेक्ट किया, उन्होंने ऐसा आप लोगों को सिलेक्शन में डाला है कि नंबर ही नहीं लग रहा है। खैर, वो कॉर्पोरेशन की बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैं आप लोगों के सामने इसके लिए आया हूं कि ये विधानसभा का चुनाव है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा मैनिफेस्टो हमने आप लोगों को पहुंचा दिया है आपके घर तक के, मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को ये मिल चुका है। मेरी विनंती रहेगी कि जरूर इसको पढ़िए। इसके अंदर हमने 30-35 साल में क्या किया है उसका भी एक छल चित्र है और साथ में 5 साल में मुझे इस शहर में क्या करना है ये भी हमने इसमें लिखा है। ये विधानसभा का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, जहां पे हम स्टेट के कायदे कानून बनाते हैं और प्रशासन को सुधारने का काम वो लेजिस्लेचर करता है। वाटर गटर मीटर ये तो परमानेंट प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान के।
आप जिस गांव से आते हैं, जिस गांव से आप यहां पे माइग्रेट हुए, उस गांव में भी ये परेशानी आज भी है। तो यह परेशानी है, नहीं है मैं ये नहीं कहता, मगर उससे हट करके, उससे बढ़ करके इस शहर के अंदर पिछले 5 साल में जो काम नहीं हुए और जिसके लिए सिर्फ शहर में बोर्ड लग रहे हैं कि प्लेग्राउंड बन गया मुझे गर्व है, रिक्शा चल गई मुझे गर्व है, मेट्रो चालू हो गई मुझे गर्व है, मुझे पानी मिल गया मुझे गर्व है, तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि पानी आपको 24 घंटा आ रहा है क्या? आवाज बताइए तो आपको फिर भी गर्व है ना? गर्व है या नहीं है? फिर आपके वहां नए प्लेग्राउंड बन गए क्या आसपास में? फिर भी गर्व है ना आपको? मेट्रो चालू हो गई कि नहीं? कितने ने मेट्रो की टिकट ली बताइए, गर्व है कि नहीं? नहीं है। हमने कभी 30-35 सालों में बाबा जी पूरे शहर में काम किया, वाटर गटर मीटर बस स्मशान कब्रिस्तान बरेल ग्राउंड हॉस्पिटल ब्लड बैंक लाइब्रेरी मॉर्ग रूम, नाम बताते जाइए शहर में, वो काम करने का काम हमने किया, लेकिन हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया, ना कभी भूमि पूजन को गए, ना कभी उद्घाटन को गए, ना मीडिया को बुलाया, मगर ये काम हमने किया। क्यों किया? क्योंकि हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते थे, हम इस शहर को अपना शहर, अपना वतन, अपना गांव समझते हैं। हम यहां पर व्यापार करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, हम लोगों की सेवा और खिदमत करने के लिए हम लोग आए। आपके मालूमात के लिए बताता हूं, मैं 3 साल पूरे 3 साल में 18 महीने हॉस्पिटलाइज था, अभी 2015 से लेकर 2018 तक, और मेरी जो कंडीशन आज भी है, मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई, डॉक्टर ने एडवाइस बिल्कुल नहीं दिया कि जिस तरह से मैं एक्सर्शन कर रहा हूं, आई एम नॉट अलाउड टू डू, माय फैमिली इज नॉट स्टैंडिंग विथ मी इन दिस इलेक्शन बिकॉज दे आर टोटली अगेंस्ट मी कि आई शुड नॉट गो फॉर दिस। जब मैं 1.5 साल लगातार अस्पताल में और बेड पे था, लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे, शहर की कथा सुनाते थे, चाहे कोई ठेले वाला था, रिक्शा वाला था, गाड़ी वाला था, फैक्ट्री वाला था, इंडस्ट्री वाला था, दुकान वाला था, ज्वेलर का आदमी था, मकान मालिक था, शेड एजेंट था, बिल्डर था, हर आदमी ये शिकायत करता था, साहब हमारे पे अन्याय हो रहा है, हमारे पे अन्याय हो रहा है, हमारे से हत्या वसूल किए जा रहे हैं, हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, आपने शहर से अपने आप को दूर कर लिया है, हमारे पे अन्याय हो रहा है, आपको हमारे लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पिछले साल जब दिवाली में मैं चलना फिरना शुरू हुआ तो मैंने पूरे शहर में, क्योंकि हम तो जूने हैं तो सारे लोग जैसे जैसे आते गए, घर का रिश्ता लोगों के साथ बना, तकरीबन 10,000 परिवार से मैंने इंटरेक्शन किया, दिवाली में, दशहरे में, गणपति में, नवरात्र में, न्यू ईयर में, ईद में 10,000 परिवार को मैं मिला और सबको ओपिनियन जाना कि क्या मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए। 1 साल पहले की बात, लोगों ने कहा कि सर आपको लड़ना पड़ेगा, लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना आप नहीं लड़ोगे तो ये शहर निस्त नाबूद हो जाएगा, लोग इस शहर को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, लोग अभी इस शहर को हफ्ताखोरी की नजर से देखते हैं, मैंग्रोव नष्ट करने वालों की नजर से देखते हैं, वेटलैंड नष्ट करने वालों की नजर से देखते हैं, जमीन हड़प कर देने वाले लोगों की नजर से देखते हैं। इस शहर के विधायक के ऊपर लाखों हजारों केसेस लगे हुए हैं, एंटी करप्शन के केसेस है, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे के FIR रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या आप ऐसे लोक प्रतिनिधि चाहते हो कि आपके गांव से, वतन से, दोस्त आपको लोगों को यह कहे, अरे आपका MLA उसके ऊपर जो केस हुआ वही है ना, क्या आपको यह अच्छा लगता है, क्या आपको गर्व महसूस होता है? इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इस शहर से भ्रष्टाचार और अन्याय को खत्म करने के लिए। और सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, तो उसके साथ में जो मुझे जो 5 सालों में काम पूरे नहीं हुए उसे पूरा करना है, 63 लाख हटाना है। क्या आप लोग खुश हैं 63 लाख से? 5 साल पहले मैनिफेस्टो था बीजेपी का, बॉम्बे के एंट्री पॉइंट से हम 63 लाख हटा देंगे। मीरा रोड मीरा से लोकल ट्रेन शुरू करनी है, क्या मीरा रोड लोकल ट्रेन की जरूरत है या नहीं है? भाईंदर से महिला स्पेशल ट्रेन बढ़ानी है, बोरीवली से विरार तक के 6 ट्रैक करना है। आपके ऊपर गार्बेज टैक्स लगा है, डबल टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, मालूम है आप लोगों को, पता है आपको, फिर भी आप लोग भरते हैं। उस शोले पिक्चर में गब्बर सिंह का आदमी आता था, पता है, किसानों के पास से जबरन वसूली करके जाता है, म्युनिसिपैलिटी आपसे जबरन वसूल कर रही है,
हमने आह्वान किया था कि उसको मत भरिए, कोई कायदा नहीं है, कोई कायदा नहीं है, मगर लोग डर के मारे फिर भी भरते हैं। तो इसके लिए मुझे अभी जय वीरू बन के आना पड़ा है। पानी की समस्या है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हमने बनाया 2014 में, 9 एसटीपी टैंक बना के तैयार है, मगर उसको चालू नहीं किया गया टेंडर के चक्कर में। बसेस जो शहर में हमने लाई थी, जो चल रही थी, आज बंद है। मीना भयंदर की बसेस आपको दिखती है कहीं पे? 5 साल से बसेस नजर आती है, मुख्यमंत्री 2 बार उद्घाटन करके गए उस बसेस का, मगर बस नजर नहीं आती। मेट्रो का 9 बार उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, नामकरण हुआ, मगर मेट्रो नहीं है। अब इलेक्शन आया तो ड्रामा करने के लिए पार्टीशन लगा दिया है। कोई काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ। पानी हमने जो लाया 250 ml वही आ रहा है, नया कुछ भी नहीं आया। न ट्रेन हुई, न टॉल गया, न पानी आया, न कचरे का समस्या हल हुई। 5 साल पहले हमने जो कोर्ट बना के रखा यहां जीसीसी के पास, वो कोर्ट की बिल्डिंग भी ऐसी पड़ी, कोर्ट भी शुरू नहीं हुआ। पुलिस कमिश्नरेट 20 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम था, मेरे पास आप डॉक्यूमेंटेड है, असेंबली के क्वेश्चंस है, कॉलिंग अटेंशंस है, गवर्नमेंट के रिप्लाईज है। हम ये चाहते थे कि थाने के साथ में हमको जोड़ा जाए, क्योंकि थाने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए पुलिस कमिश्नरेट हमारा थाने का होना चाहिए। अब बेवकूफी के जैसे इन्होंने आनंद फानंद में इलेक्शन में अनाउंसमेंट करके वोट लेने के चक्कर में पालघर के साथ जोड़ दिया। मतलब अभी आपका रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थाने और पुलिस कमिश्नरेट आपका पालघर। तो ये इस तरह के आनंद फानंद में इलेक्शन के मद्देनजर अनाउंसमेंट किए गए। शहर की बहुत सारी समस्या है। अब आपके पढ़े लिखे लोग हैं, आपके दिलो दिमाग में सवाल आएगा, क्योंकि आमदार बोलता है, अभी बोलेगा, अगर आपके पास आएगा तो आप ये 5 सवाल जरूर पूछिएगा जरूर, कि भाई टोल क्यों नहीं हटा, पानी क्यों नहीं बढ़ा, मीरा रोड लोकल शुरू क्यों नहीं, गार्बेज टैक्स आपने क्यों डबल लगा दिया, कोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ, ये सवाल पूछिए आप, ये पूछिएगा सवाल आप। और वो ये भी बता के जाएगा आपको कि ये कैसे काम करेंगे, सरकार हमारी रहेगी। तो भैया 5 साल सरकार आप ही की थी ना, फिर क्यों नहीं हुआ, ट्रेन क्यों नहीं बढ़ी, टोल क्यों नहीं हटा, पानी क्यों नहीं आया, गार्बेज क्रैक्स क्यों लगाया। तो जो काम करना चाहता है लोगों के हित में, उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं होती, लोगों के साथ की जरूरत होती है। और विरोधी पक्ष में बैठ करके हम तो ये जानते हैं कि भाई सरकार भी बदलने वाली है। आज आप लोग कोई मानेगा नहीं इस बात को, क्योंकि टीवी में एक ही चीज दिखाई जाती है, मीडिया में एक ही चीज प्रिंट होती है, एक ही व्यक्ति की, एक ही पार्टी की मर्जी चलती है, तो लोगों का दिमाग भी एक ही तरफ चलने लग गया है। तो आप लोग इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन पूरे राज्य के अंदर एक अलग वातावरण अंदर से है। और भगवान हम जो ना करें, हमारी सरकार नहीं बनी और आपने मुझे एमएलए चुन के दिया, तो एक टोल नाका तो मैं पक्का हटाऊंगा। आप लोग मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? सबने हाथ उठा के बताइए टोल नाका हटाने के लिए। एकदम इजी रास्ता बता दो पापा जी, क्या करना है? 500 गाड़ियां सवेरे यहां से जाकर के वहां लॉक करके घर पे आके बैठ जाना है दोनों तरफ से। अब गाड़ी के ऊपर तो केस बनेगा नहीं, 500 गाड़ी उस तरफ और 500 गाड़ी इस तरफ, बाकी कुछ नहीं करना है। पॉसिबल है कि नहीं ये बताइए मुझे आप, इज इट पॉसिबल और नॉट, और इज इट इम्पॉसिबल? हम तो गांधी जी के मानने वाले हैं, उनके बताए रास्ते पे चलने वाले हैं। बहुत तुक्के हैं, मैं तो नगर सेवक भी नहीं था तभी 9 डब्बे की 12 डब्बे गाड़ी करवाया था, नगर सेवक था तभी मैंने 2 ट्रैक से 4 ट्रैक करवाया था, शहर में पानी लाया था, नगर सेवक भी नहीं था तभी। अब तो मैं 9 साल एमएलए रह चुका हूं, 3 बार कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर, और आज महाराष्ट्र की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव लड़ने की मेरी वजह क्या है। वजह है ये शहर को बचाना है, इस शहर में जो लोग रहते हैं, आप लोग जो रहते हैं, इसकी कम्युनल हार्मोनी को संभालना है, और इसके अंदर की जो भी समस्या है उसका समाधान करना है। और उसके लिए मैंने अपना ये मैनिफेस्टो, 5 साल के बाद भी आप मुझे आकर के ये कॉपी दिखाइएगा, इसको संभाल के रखिएगा, फेडरेशन के अंदर लॉक एंड की में, तिजोरी में, जहां पैसे रखोगे ये मेरा मैनिफेस्टो भी रखिएगा। ये जाहिर हिस्से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड भी करके रखिए, और मुझे पूछिएगा सवाल। मैं आज कह के जा रहा हूं,
मुझे सवाल पूछेगा पांच साल के बाद ये पेपर दिखा के कि हुसैन साहब ये काम का क्या हुआ, और इसमें से अगर नहीं हुआ होगा तो मीटिंग में बुला करके मुझसे मेरे मुंह पे कहिएगा कि साहब हम आपको वोट नहीं देंगे, ये मेरे मुंह पे कहिएगा, क्योंकि मैं ये चुनाव कोई मंत्री बनने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी धन संपत्ति बचाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। बीजेपी का एमएलए अपनी धन संपत्ति बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी की इंडिपेंडेंट वो अपनी मान मर्यादा और बेइज्जती का बदला लेने के लिए लड़ रही है, और मैं जनता की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 21 अक्टूबर को आप मेरा साथ दोगे और शहर की इन समस्याओं का समाधान करने में मुझे एक बार फिर से आप एक एमएलए बनने का मौका दोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।